हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष। मिटी इस वीडियो में हम 24 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वह लॉकडाउन एंड बियॉन्ड। देखिए, इंडिया ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है कोविड 19 के खिलाफ। अब एक्शन लेना शुरू हो गया है और जो अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रॉफी निकल के आया है, हो सकता है कि हमारे देश में नेशनल लॉकडाउन हो जाए। कई राज्यों में हो चुका है। द गोल इज़ टू फ्लैटन द ट्रांसमिशन कर्व। जो ट्रांसमिशन कर्व है, जो सीधी जा रही है, बिल्कुल जिस तरीके से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का, उसको फ्लैट करने के लिए, यानी उसको सीधी लाने के लिए। एक होती है जो ग्राफ में आपकी कर्व बिल्कुल सीधी जा रही है, वो चीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। फ्लैटन करने का मतलब अब बढ़ नहीं रही, कॉन्स्टेंट उसकी जो है इंक्रीजिंग हो रही है, कॉन्स्टेंट लेवल पर वो है। तो अभी हमारा जो गोल है वो ये है कि ट्रांसमिशन कर्व को आगे नहीं बढ़ने देना है, और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो लार्ज नंबर ऑफ केसेस से लड़ सके, ऐसी व्यवस्था हमको करनी है। लोगों की फिजिकल डिस्टेंसिंग हमको करनी है। कैसे? रेल सर्विसेज हमने स्टॉप कर दी, इंटरस्टेट बस सर्विसेज हमने स्टॉप कर दी, पब्लिक स्पेसेस को हमने बंद कर दिया, नॉन असेंशियल एक्टिविटी जो जरूरी नहीं थी सारी एक्टिविटी हमने बंद कर दी। स्ट्रीट लेवल पे पुलिस मैंस के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये जो है प्रायरी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहती है, और कि सारी चीज़ें जो हैं ये हो, वो भी लॉकडाउन के जरिए ही होती है। स्टेट्स किस कानून के तहत ऐसा कर सकते हैं, लॉकडाउन कौन से कानून में? देखो, सीआरपीसी का आपका सेक्शन 144, जिसमें 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। एपेडमिक डिसीज एक्ट 1897 और इंडियन पेनल कोड के जरिए सरकारें ऐसा कर सकती हैं। अब आगे क्या करना पड़ेगा कि देखो, एक तो सबसे बुरी बात यह कि भारत में पुलिस मशीनरी को, सरकार को, लोगों को घर में लगाने में लग रहा है, जो कि ये काम नहीं है उनका। घर में आप लोगों को खुद को बैठना चाहिए। पुलिस वालों का काम है कि किसी तरीके से जो भीड़ है वो ना उपजे। ऐसा नहीं है कि आपकी उंगली पकड़ के आपको घर घर लेके जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी जहाँ पे लोग भीड़ में जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाचो गाओ, लेकिन घर में। तो क्योंकि घर में आप रहेंगे, उसके बाद टेस्टिंग शुरू होगी, वो है असली सॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट मशीनरी, अगर एक बार ये आइसोलेशन पूरी तरीके से हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो गवर्नमेंट मशीनरी अब जो है फिर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में लग जाएगी। ये संडे को दिखा नहीं जब जनता कर्फ्यू हुआ था। हाँ, टोटल कंप्लायंस दिखा, लोगों ने बात मानी, लेकिन कुछ देर बाद दिखा कि कई जगह पब्लिक सेलिब्रेशन जो है होने लगा था। और ये भी देखा कि लोगों में हड़कंप मच गया। जो माइग्रेंट लेबर थे राज्यों में, जो काम करते थे, वो अपने अपने घर, अपने अपने ज़िले, अपने अपने शहरों में जाने लगे, ट्रेन्स में और बसेस में ट्रैवल करने लगे। भीड़ भाड़ जो है इलाकों में, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन्स पे जो है भीड़ इकट्ठी होती चली गई, और कई तो बीच में अटक गए, क्योंकि वो जहाँ जाना जाते थे वहाँ जाने से पहले ट्रेन जो है वो सर्विसेज विड्रॉ कर ली गई, और वो जिस स्टेशन पे थे वहीं रह गए। तो ये बेसिकली आप देखोगे कि इसने जो लोग भीड़ में थे वो भी इन्फेक्शन के शिकार हुए होंगे, और वो जो लोग स्टेशन पे थे वो किसी और को भी शिकार बनाए होंगे। तो बेसिकली इस तरीके से जो है देखा जाए कि अब जो लॉकडाउन होगा ये इस तरीके से ना हो जिसमें लोग चाओज में हो, कन्फ्यूजन में हो, मिस्री में हो। चाओज मतलब ऐसे एक तो खुशी खुशी से नाच रहे, कन्फ्यूजन मतलब जाना है कि नहीं जाना अपने ज़िले में, ये हो मिस्री, दुख नहीं हो जरा सा भी, ठीक है। लोग जो हैं खुशी खुशी घर में रहें ये सोचते हुए कि सरकार और डॉक्टर अपना काम कर रही हैं। भारत के इतिहास में एक वार लाइक मूवमेंट है, इसके लिए मासिव प्रिपरेशन चाहिए, ताकि यहाँ पे लोगों पे इम्पैक्ट कम से कम हो, और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स भी हमको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। शटडाउन के बाद हमको पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स हमको करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी रहती है कि जो मोस्ट वल्नरेबल क्लासेस हैं इकोनॉमिकली और सोशली, इंक्लूडिंग दी एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी वल्नरेबली तो हैं, तो ज़रूरी हो कि इनको दवाइयों का पहुंच इनके पास रहे, और वहीं रहे जहां पे ये रहते हैं, दूर दूर ना जाना पड़े। उनको स्टेपल्स का पैकेज दे सकते थे, दिल्ली सरकार ने 72 लाख लोगों को फ्री में जो है खाना, 7.5 किलो का राशन देने का वादा किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। तो हर राज्य में इस तरीके का पैकेज होना चाहिए, और इसमें आप सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, सिविक वर्कर्स का यूज़ कर सकते हो, एनजीओस का यूज़ कर सकते हो, आसान है, लेकिन नीयत जो है आपकी होनी चाहिए करने की।
दूसरी बात, हमारे जो 30% जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें 37% कैजुअल लेबर पे डिपेंड रहते हैं। एक दिन का काम कर लिया, 500 रुपये मिल गए, खाना खा लिया, 500 रुपये का खाना वाना लिया, घर चल गया। उनके पास सेविंग नहीं रहती, उनके पास ऐसा नहीं है कि एक महीने वो काम चला लेंगे, कैजुअल लेबर है वो, एक एक दिन की दिहाड़ी उनको मिलती है। और 55% वो है जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है लेकिन टेन्योर है 6 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, ठीक है। तो बेसिकली ये डाटा कहाँ है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा का है 2017-18 का। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, अगर एक एक 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक, मान लो एक महीने तक भी लॉकडाउन चलता है, तो ये लोग जो दिन का कमाते हैं वो खाएंगे कहाँ से। तो वेजेस भी इनको मिलती रहे जब तक रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्टेट्स ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, फंड ट्रांसफर्स रहें जब तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता, और उसके बाद ख़त्म हो जाता है तो रास्ता यहीं नहीं रुकता, एक स्टिमुलस पैकेज लाना पड़ेगा जिसके बारे में हम डिटेल से अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। बिगर चैलेंज भारत में यह है कि क्या एक बार लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद में यूनिवर्सली एक्सेसिबल टेस्टिंग सिस्टम हम ला सकते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि COVID-19 मान लो भारत से चला भी जाता है, मान लो हमने जो है टेस्टिंग कर ली, सबको आइसोलेट में रख लिया, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जो है लेकिन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि दुनिया में जो डिसीजें चली तो जाती हैं लेकिन एक दो केसेस निकलते रहते हैं, एक दो केसेस में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो कब जो है एपिडेमिक बन जाए वो आप सोच भी नहीं सकते। एपिडेमिक मतलब जो किसी कंट्री में एकदम से आउटब्रेक हो, पेंडेमिक मतलब जो ग्लोबली हुआ हो। अभी COVID-19 पेंडेमिक है, लेकिन पेंडेमिक अगर ख़त्म हो जाता है, मान लो किसी देश में, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर एंडेमिक हो गया तो वहाँ पे वो फैलता जाएगा और उसको कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरत क्या है कि एक बार लोकल ट्रांसमिशन रुक गया, लॉकडाउन लिफ्ट हो गया, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टेस्टिंग सिस्टम लाया जाए जिसमें टेस्टिंग बहुत अग्रेसिवली हो, जहाँ भी जिसको भी सिम्टम्स लगे वो टेस्टिंग हो, ताकि दोबारा ये जो है ना आए। स्ट्रिक्ट शटडाउन ऑलरेडी चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर में फैला हुआ है। साउथ कोरिया ने आइसोलेशन नहीं किया, साउथ कोरिया ने शटडाउन जो है ऐसा नहीं किया कि आपको लॉकडाउन कर दिया, लेकिन साउथ कोरिया ने एग्रेसिवली जो है सिंगापुर ने एग्रेसिवली टेस्टिंग की है, उन्होंने हर आदमी को जो है टेस्ट किया। तो दिस इज़ द हार्ड वर्क दैट लाइज अहेड, ये हार्ड वर्क है जो आगे है, और हमको ये जो हार्ड वर्क आएगा इससे इंडिया की नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स की ताकत का परिचय हमको मिलेगा, कितना जो है काम कर सकती हैं। द माओइस्ट ट्रैप, देखो बात ये हुई, छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में कल जो है अटैक हुआ माओइस्ट एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, नक्सलिस्ट जिनको आप कह सकते हो, किन के ऊपर हुआ, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल थे उनके ऊपर अटैक हुआ। 17 जो है शहीद हो गए, 15 जो है घायल हो गए, और इस आर्टिकल में बात हो रही है, देखो स्टोरी है ऐसे तो आर्टिकल में पूरी स्टोरी है किस तरीके से मारा गया, और लेकिन यहाँ पे साफ नज़र आता है। बच्चा मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि ये जो है पूरा पढ़ना कुछ जरूरी नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो एक तो ये कि सिक्योरिटी पर्सनल्स की संख्या ज़्यादा थी माओइस्ट के मुकाबले, उसके बावजूद भी माओइस्ट से वो लड़ नहीं पाए, कह तो रहे हैं कि हमने मार दिए लेकिन लड़ नहीं पाए, और शहीद भी हमारे जो हैं 17 सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, तो गलती कहाँ थी। तो एक तो ये घटना की वजह से मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है कि चैलेंज क्या है आजकल माओवी से लड़ने में, नक्सलिस्ट के लड़ने में चैलेंज क्या आ रहा है। सबसे पहले तो टेरेन, ज्योग्राफी जो है भाई, किसी जंगल में किसी जगह जहाँ पे माओविस्ट रहते हैं उनको पूरा इलाका पता रहता है, जैसे अभी जो घटना हुई वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल फंस गए एक जगह जाके लड़ते लड़ते, वहाँ पे उनको चारों तरफ से माओविस्ट ने घेर लिया। तो पहला तो ये कि ज्योग्राफी जो है टेरेन रहती है वो पता नहीं रहती, और चलो ठीक है ये पहला चैलेंज। यहाँ पे देखा गया सिचुएशन में कि जिन कि सिक्योरिटी पर्सनल्स में कुछ लोग ये भी थे जो पहले माओवेश थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, वो सिक्योरिटी पर्सनल में आ गए, तो उनको तो ज्योग्राफी पता रहनी चाहिए, फिर उनको रास्ता भी पता था, फिर वो अटक कैसे गए, और अटक गए तो उनके हेल्प के लिए और सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं आए। तो दूसरा चैलेंज वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन तो करने जाते हैं, इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने की वजह से आगे की सिक्योरिटी हेल्प है वो हेडक्वार्टर से नहीं आ पाती, ठीक है, उनकी मदद के लिए और सिक्योरिटी पर्सनल नहीं आ पाते, तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, दूसरा ज्योग्राफी हो गया, तीसरा होता है इंटेलिजेंस फेलियर। कई बार क्या होता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर, अभी आपने देखा कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई माओइस्ट नहीं भी होता तो निहत्ते लोगों पे जो हमला कर दिया जाता है। अभी हाल ही में देखा गया था जिस पे केस भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया कि करीब 6-7 साल पहले का केस था कि 17 जो निहत्ते लोग थे उन पे वार किया गया और उनके पीठ पे वार किया गया, इसका मतलब वो नक्सली नहीं थे क्योंकि वो हमला नहीं कर रहे थे। तो
तो तीसरा चैलेंज है कि इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से जो है यहाँ पे ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता कि ये आदमी जो है वास्तव में माओइस्ट है या फिर कोई और, शक के तौर पे जो है ऑपरेशन किया जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। अपेंडेमिक एंड इकोनॉमिक ब्लो एंड द फिक्स, देखो ये बात जो है, ये आर्टिकल वैसे तो आपको लगेगा कि बोरिंग है क्योंकि ये कोविड 19 के ऊपर है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात हो रही है, इसमें आगे की बात हो रही है। कोविड 19 अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखो अभी हमने जो हमारा क्लैपिंग था, जनता कर्फ्यू था, उसके दो दिन पहले ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूके की, जो कि इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज अनाउंस किया यूके का, जो कि इसके इतिहास में सबसे बड़ा है और क्राइसिस से निपटने के लिए जो है किया गया है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज, नहीं ये करीब 900 बिलियन का था यूके का, यूएसए का था $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक पैकेज, मैं पढ़ रहा था करीब $1.7 ट्रिलियन का है, जिसमें 500 बिलियन तो कॉरपोरेट्स के लिए हैं, ठीक है। जर्मनी भी बिल्कुल अनलिमिटेड गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के तौर पर नजर आएगी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स भी अपने $0.5 ट्रिलियन के इकोनॉमिक रिकवरी मेजर्स इन्होंने लाने की कोशिश की, क्योंकि जितने लोगों ने नौकरियां खोई हैं, खास करके अगर मैं अमेरिका से बात करूं, तो एक से इतिहास में वीकली जॉब लॉस का रिकॉर्ड टूटा है। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज ना केवल स्लो डाउन होगी बल्कि नेगेटिव ग्रोथ भी जा सकती है। एक होता है कि आप बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, बहुत धीरे बढ़ रहे हो, एक होता है आप नेगेटिव में जा रहे हो, बढ़ ही नहीं रहे, रुक गए, पीछे जा रहे हो। तो जो इकोनॉमिक, अच्छा एक चीज़ और, इकोनॉमिक डिवास्टेशन जो हेल्थ क्राइसिस के बाद आएगा वो बहुत खतरनाक होगा, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। सारी दुनिया एक्शन में आ गई, इंडिया ने अभी केवल अनाउंस ही किया है कि एक टास्क फोर्स बनाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी ऑप्शन के लिए। तो जो लैक्सलाइडल अप्रोच, लैक्सलाइडल मतलब नॉट केयरिंग, लेजी, या फिर आप इसका सकते हो कि ध्यान नहीं देने वाली अप्रोच जो है, ये अनकंसीजनेबल, अनकंसीजनेबल मतलब रीजनेबल नहीं है, नॉट रीजनेबल, क्योंकि जब सारी दुनिया एक्शन में आ गई जिन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिए, भारत सरकार अभी भी टास्क फोर्स बना रही है और अनाउंस नहीं किया पैकेज, क्यों? क्योंकि हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में थी, हम जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो उनके साथ कंपेयर करना भी गलत है, लेकिन फिर भी जो है एक्शन में आना चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं झेलेगा इसके बाद, या फिर कोई नेचुरल फोर्स आएगी जो हमको बचा लेगी, ऐसा तो नहीं है। तो हमको जो है पैकेज तो लाना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, ताकि इकोनॉमिक ब्लो जो इसके बाद आएगा उसको हम रोक सकें। देर आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, रिपोर्ट आ रही है, 1/3 वो बंद हो चुके हैं और 20 लाख नौकरियां जाने के खतरे हैं। एंटायर ऑटोमोटिव जो सेक्टर है हमारा, ऑटोमोबाइल वाला, वो उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, मिलियंस ऑफ पीपल की नौकरियां खतरे में आ चुकी हैं। जैसे जैसे लोग, जैसे जैसे पीपल जॉब्स खो रहे हैं, फैमिलीज को सफ़र करना पड़ रहा है, कंजप्शन गिर रहा है, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे बाहर जाके, और डिमांड गिर जाती है, और यही प्रॉब्लम हमारी पिछले 2-3 सालों से है, और इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा जो है एक्सपेंड कर दिया गया इस वायरस के द्वारा। जैसे जैसे बिजनेस बंद हो रहे हैं, वैसे वैसे जो है यहाँ पे उनके जो उनके लोन चुका, जो उन्होंने लोन लिए थे बैंक से और फाइनेंसर से, उनको जो है लोन चुकाने में अब दिक्कत आ रही है, तो इसकी वजह से क्रेडिट फ्लो भी अब रुक जाता है, प्रोडक्शन भी रुक जाता है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है कुछ बाहर से डील करके और कंट्री के साथ मिल के जो है इसको रोक सकता है। इन पेनफुल कंडीशन में हर कंट्री सफ़र कर रही है, और इंडिया को एक कॉम्प्रहेंसिव रिकवरी पैकेज चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक को रिकवर कर सकें। राइटर कह रहे हैं कि इन्होंने पिछले जो फॉर्मर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उनसे बात की और इकोनॉमिस्ट से बात की, और उन्होंने जो है पैकेज को, पैकेज किस तरीके से होगा इस पर जो है इन्होंने डिटेल्स ली। पहली बात तो उनको देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, दूसरा रियल इकोनॉमी के जो डिसरप्शन हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तीसरा लिक्विडिटी, कैश क्रंच जो आएगा मार्केट में उसको जो है लाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, भाई हमारे एक्सपोर्ट रुक गए, एक्सपोर्ट बाहर क्यों नहीं जाएगा सामान, क्योंकि बाहर कंट्री में डिमांड नहीं है, स्लो डाउन है, तो उसको हमको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इंसेंटिवाइज करके क्या होगा, भैया मान लो हमने प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया, प्रोड्यूसर सस्ते में सामान बेचेंगे क्योंकि उनको सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, और सस्ते में जो सामान बिकता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ऑफकोर्स बढ़ जाती है, तो ऐसे जो है आप काम कर सकते हो। तो ये तो एक तरीके से पिलर्स थे कि इस तरीके से जो है पैकेज होना चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इसकी कंप्लीटली डिटेल आपको दे रखी है, प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी समझ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी इससे। देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉब जो हुआ है, कंजप्शन को आप कैसे जो है हैंडल कर सकते हो, सबसे पहले तो लोगों के पास पैसा आपकी उनके जेब में डाल सकते हो, इसके लिए आप हर महीने 3,000 रुपये, जो निचले जो 12 करोड़ लोग हैं ना, निचले बिल्कुल
बिल्कुल जो गरीब है, 12 करोड़ लोग जो है हमको मंथली 3000 रुपए देंगे 6 महीने के, इसका कॉस्ट आएगी 2.2 लाख करोड़ रुपए, और 60 करोड़ जो, अच्छा 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा। तो बेनिफिशियरी कितने हुए, मान के चलते हैं एक घर में अगर 5 लोग भी हो तो 12 करोड़ घरों में 60 करोड़ बेनिफिशियरी हो गए। एग्रीकल्चर लेबरर्स, लेबरर्स, फार्मर्स, वेज अर्नर्स, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, सबको मदद मिलेगी। एक इनकम एक मंथ की तो है नहीं, 6 महीने की है, तो 6 महीने तक जो है सेफ्टी नेट उनको हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि 6 महीने तक जो जब तक नौकरी मिले तब तक 3000 रुपये सरकार से आ रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी, जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें महीने के तीन जो है महीने के तीन किस्त देनी, साल भर की तीन किस्त देनी थी, 2000 के रूप में 6000 रुपये साल भर में देनी होती है, 2000 की तीन किस्त के रूप में, उस कुछ प्रोग्राम के तहत मिलाया जा सकता है। मनरेगा को भी एक्सपेंड कर दिया जाता है, भाई इनकम दे दो 3000 की सैलरी, काम तो करना पड़ेगा, तो मनरेगा को एक्सपेंड कर दो, पब्लिक वर्क प्रोग्राम बढ़ा दो, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रूरल रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जो है यहाँ पे कोशिश कर रो, मनरेगा को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ मिला दो, ये तीन प्रोग्राम मिलकर 1.5 लाख करोड़ की कॉस्ट आएगी, डबल कर दो 3 लाख करोड़ कर दो। भाई 3000 करोड़ दे रहे हम, 2.2 लाख करोड़ वहाँ आई, 3 लाख करोड़ यहाँ आई, ठीक है करीब 5 लाख करोड़ के आसपास जो है कॉस्ट आ गई। अब खाने की बात करते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चावल, गेहूं, पैड़ी स्टॉक्स भरे हुए हैं, बर्बाद हो रहे, सड़ रहे हैं, वो वाली बात है, सारा जो है यहाँ पे बांट दो, फ्री में बांट दो, 10 किलो राइस, वीट, हर इंडियन फैमिली को बांट दो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए। तो 3000 करोड़, 3000 जो रुपए आएंगे महीने के वो खाने में नहीं जाएंगे, ठीक है, 3000 वहाँ हेल्थ में जाएंगे, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए नहीं मिल रही उसको पूरा करने में जाएंगे। 3000 रुपये महीने के मनरेगा के तहत काम मिल रहा है और खाने का फ्री में सामान मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ, पैसा भी आ रहा है, खाने को मिल रहा है, बच्चा क्या है, हेल्थ सर्विसेज में डाल दो, एजुकेशन में डाल सकते हैं बच्चों के, हाँ तो ये हो गया। अच्छा कोविड 19 टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, सप्लाईज, ये जो है इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करने के लिए पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल इतने हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, इसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट चाहिए और कम से कम 20 करोड़ इंडियंस को हमको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही टेस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम 20 करोड़ इंडियंस का टेस्ट करवाएंगे, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज अगर हम देंगे, तो जॉब भी बढ़ेंगी प्राइवेट सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, पैरामेडिकल स्टाफ में बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, मल्टीप्लायर बेनिफिट्स को हम कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट, हमने 1.5 करोड़ रुपये टेस्टिंग में लगाए, हेल्थ मिली लोगों को, नौकरियाँ मिली, नौकरियों से जो है कंजप्शन बढ़ा, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो RBI ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी और क्रेडिट बैकशॉप फैसिलिटी जो अनाउंस की है, स्वागतनीय कदम है ये। RBI को अब रेगुलेटरी फॉरबियरेंस दिखाना पड़ेगा। फॉरबियरेंस रेगुलेटरी क्या होती है, देखो ये होता है कि रेगुलेटरी में, रेगुलेशन में ढील देना, बैंक को जितना वो लोन दे सकते हैं उनको लोन देने के लिए छूट देना, अब चाहे वो उनकी कैपिटल बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड भी यहाँ पे हमको सेटअप करना पड़ेगा कि भाई जो लोगों ने यहाँ पे लोन ले रखा है, जो डिस्ट्रेस्ड जो बोरोवर्स हैं उनको जो है यहाँ पे दिक्कतें ना आए, क्योंकि लोन जो है उनको चुकाना तो पड़ेगा, बैंक वाले लोग ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने के लिए किस्त माफ़ कर देंगे भैया इकोनॉमिक स्लोडाउन में, तो RBI यहाँ पे मदद कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम और कर सकता है जो हमेशा से करके आया, इंटरेस्ट रेट घटा सकता है। आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि सस्ते में अगर लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो इन्फ्लेशन है कहाँ पे, इन्फ्लेशन है कहाँ पे, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तो मंदी है चीज़ें, तो इंटरेस्ट रेट जितना कम हो सके ड्रास्टिकली कम कर दो। 2 ईयर टैक्स हॉलीडे, ये जो है मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, क्योंकि अभी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किया, 2 साल का अगर यहाँ पे टैक्स हॉलीडे सरकार देगी, टैक्स कम कर देगी या पूरी तरीके से माफ़ कर देगी, या कोई इंसेंटिव स्कीम लाएगी एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए, सर्विसेज सेक्टर्स के लिए, तो यहाँ पे जो है बहुत फ़ायदा मिल जाएगा लोगों को, लोगों की जेब से ज़्यादा खर्चा जो है नहीं होएगा टैक्स के रूप में, इससे सरकार को ऑफकोर्स कॉस्ट आएगी, लॉस होएगा 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ के आसपास का जो है कोर्स यहाँ पे आएगा। अब सब मैं अगर इनमें टोटल कर दूँ इनका, और मैं रिकवरी पैकेज को अगर मिला दूँ और कहूँ चलो ठीक है यार कितना टोटल हुआ मुझे बताओ, तो 5 लाख या 6 लाख करोड़ के आसपास ही हो गया। सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, मेरे मन में भी उठा था कि पैसा कहाँ से आएगा। तो बेसिकली ये आप क्या कर सकते हो, 3 तरीके से हो सकता है। पहली बात तो बजट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है, सरकार जो सैलरी और पेंशन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक और डेफिनेशन है कि जो पैसा गया वो लौट के वापस नहीं होएगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं है, वो गया, समझ रहे हो,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपके ब्रिजेस बना दिए, यानी जो आप पैसा लगा रहे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ब्रिज बना दिए, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, 10 लोगों को आपने नौकरी दी, 10 लोगों की सैलरी आई, 10 लोग जो है वो कंजप्शन करेंगे, काम होता जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल जो है हम यहाँ पे एक्सपेंड कैपिटल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जरूरी था, पिछले 2 साल से चिल्ला रहे थे एक्सपर्ट, सरकार को कह रहे थे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता। लेकिन एक COVID-19 की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पैसा था वो हमको अब इसमें इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज में डालना पड़ेगा। मनरेगा में ये 3,000 रुपये की जो मंथली इनकम है, इसमें एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन, जो एक्सपेंडिचर जहां हम कर रहे हैं और मिनिस्ट्रीज़ को हम दे रहे हैं, छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ को, वहां से पैसा लेके बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को जो ज़रूरत में है उनको हम दे सकते हैं। ऑयल बोनेंजा, ऑयल तेल की कीमतें गिर रही हैं, आधी हो गई, तो इतना हमारा पैसा खर्च होएगा नहीं उस पर, तो हम जो है इससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दुनिया भी फेस कर रही है, तो जरूरी है कि हम अपने प्रायोरिटाइज करें एक्सपेंडिचर को, प्रायोरिटाइज जरूरी क्या है, एक्सपेंडिचर तो हर जगह जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जरूरी था, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है हेल्थ, अभी ब्रिज नहीं बने चलेगा, स्कूल नहीं बने चलेगा, हॉस्पिटल तो जरूरी है लेकिन कम से कम बने चलेगा, लेकिन मंथली इनकम लोगों के पास पहुंच जाए तो कंजप्शन जरूरी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 4,00,000 करोड़ का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल रखी थी इस साल, अब 4,00,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमको थोड़ा सा लेके उसमें से पैसा रिकवरी पैकेज में डालना पड़ेगा, ठीक है। टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर जो डिस्ट्रेस में थे उनके लिए 40,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर रखा था, उसको भी हमको लेना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा, रीअलोकेट करना पड़ेगा। तो देखो टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट जरूरी है, उनको पैसा देना, लेकिन फिर भी अभी हेल्थ जरूरी है ना, रिकवरी पैकेज जरूरी है। तो हमको निचले लेवल के लोग हैं, जो निचले तबके के जो लोग हैं उनको जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक कैसे काम चलेगा। 1,00,000 करोड़ का बजट था हाईवे, रोड, ब्रिजेस के लिए, उनको भी वहां से भी थोड़ा पैसा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो है आप यहाँ पे थोड़ा बहुत 1,00,000 करोड़ के आसपास पैसा ला सकते हो। अच्छा, 54 मिनिस्ट्रीज है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, 30 लार्ज मिनिस्ट्रीज है, 41 छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज है। 31 लार्ज मिनिस्ट्रीज का जितना पैसा यहाँ पे आता है, जितना बजट एक्सपेंडिचर है, वो बाकी 41 मिनिस्ट्रीज का है, समझ रहे हो। तो यानी 30 जो मिनिस्ट्रीज है, 13 मिनिस्ट्रीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हेल्थ से जुड़ी हुई है, एजुकेशन जुड़ी हुई है, लेबर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो निचली जो 41 मिनिस्ट्रीज है जिनको पैसा यहाँ पे कम दिया जाता है, वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा उठा लो आप, और ऊपर जो है आप डाल दो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में, जरूरत है ना। अच्छा, एक फायदा हमको मिलेगा, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस गिर रही हैं, 40 जो है डॉलर पर बैरल की है, $20 पर बैरल हो जाएगी, 2,00,000 करोड़ रुपये हम यहाँ से आ जाएंगे, 2,00,000 करोड़ रुपये यहाँ से आ जाएंगे भाई। टैक्स जो सरकार अब कम करेगी, दो साल का टैक्स हॉलीडे मैंने आपको आर्टिकल में बताया कि 2 साल के टैक्स माफ़ कर दो, वो पैसा उसके लिए अलग से हमको लाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑयल की प्राइसेस गिर गई। तो 2,00,000 करोड़ रुपये का यहाँ पे हमको जो है सेविंग हो जाएगी। तो इसके लिए जो है अब आपको फिस्कल इंप्लीकेशन इसका देखना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली बढ़ेगा। डेफिसिट मतलब क्या होता है, कि जितना आपका खर्चा, जितना आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, ऑफकोर्स करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट ऑफकोर्स बढ़ेगा। लेकिन क्या ये समय है फिस्कल पे ध्यान देने का, एक्सपेंडिचर तुमको बढ़ाना पड़ेगा, रिवेन्यू कम होगा लेकिन करना पड़ेगा, इकोनॉमी को उबारना पड़ेगा, प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। तो स्टेट्स, अब आप पूछ सकते हो स्टेट्स क्यों नहीं हेल्प कर सकते। देखो स्टेट जो है, अगर टोटल स्टेट्स का एक्सपेंडिचर मैं देखूँ 40,00,000 करोड़ का होता है, और अगर मैं रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली अब देखो हो सकता है कि हाँ भाई स्टेट्स मिलके 1-2 लाख करोड़ का तो कर दे, लेकिन इतना एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि GST का जो टैक्स है वो टैक्स रिवेन्यू सीधा सेंटर के पास जाता है, सेंटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेंटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, और सेंटर जो है वो टैक्स रिवेन्यू के हिसाब से डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू और GST के थ्रू जो है कर सकती है। तो स्टेट्स खुद मिलकर जो है टैक्स रेज नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली 5-6,00,000 करोड़ का पैकेज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा। जो टारगेटेड सेक्शन है, हर किसी को नहीं, टारगेटेड सेक्शन है जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उनको जो है हेल्प मिलनी चाहिए। और मैंने बताया किस तरीके से जो है, राइटर ने बताया एनालिसिस करके पैसा आ सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है डार्क फेज में अब जाएगी, और हमारी ड्यूटी है कि भारत की सरकार की, कि भारतीयों को फ्यूचर सिक्योर करवाए। ये समय है बड़ा बोल्ड और रेडिकल सोचने का, इकोनॉमी को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सके। जैसे कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, तो इस तरीके से पैकेज निकाल के लाए थे वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो ये जो न्यू लिबरल वायरस में किस तरीके से बात हो रही है कि हेल्थ जो है वर्कर्स की और वेलबींग जो वर्कर्स का है उन पे कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि कई देशों में जो पैकेज अनाउंस किया गया वो पैकेज जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए था, तो निचले लेवल के जो लोग हैं वर्कर्स उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो वर्कर्स हैं निचले लेवल के बेसिकली उनको कई देशों में तो पैसा खुद देना पड़ा है टेस्टिंग का,
और यहाँ पे कई देशों ने, जैसे डेनमार्क ने तो अपनी बॉर्डर सील कर दी क्योंकि इंटरनल टेस्टिंग किट या इंटरनल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। तो जो पैसा है उन्होंने डेनमार्क ने अनाउंस किया, 50 बिलियन डॉलर का पैकेज अनाउंस किया, तो 50 बिलियन डॉलर का पैसा क्या वो टेस्टिंग में नहीं लगा सकती थी? लगा सकती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को रिवाइव करना है, कंपनियों पर ध्यान देना है, इस वजह से। तो ये बात थी इस आर्टिकल में कि वर्कर्स पर ज़्यादा ध्यान हमको देना चाहिए, ठीक है। ये भी जो आर्टिकल से कोविड 19 मनी टास्क एट हैंड, और ये जो नीचे वाला आर्टिकल है वो भी कुछ सेम ही है, लेकिन नीचे वाला आर्टिकल में ये बात जो है अलग वही है कि एक तो ये जो कोविड 19 का जो क्राइसिस आया, इसके बाद दो सिचुएशन आएंगी। पहले तो ये कि लोग अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो बंद कर देंगे और अब जो है माइग्रेंट्स को इतना आने नहीं देंगे, नेशनलिज्म में बढ़ सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि लोग जो हैं अब इन्वायरमेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मल्टीलेटरलिज्म पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है काम करेंगे, WHO के साथ, और इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की संभावना जो ज़्यादा लग रही है वो ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं अपनी बाउंड्रीज़ को बंद कर देंगे, अब दूसरे देशों के लोगों को अब आने नहीं देंगे, कम से कम आने देंगे, क्योंकि खतरा जो है वायरस का ये आया तो है लेकिन आगे फ्यूचर में ना हो, इसकी जो है सुनिश्चित देशों को करनी पड़ेगी। इसके लिए दो चीज़ें हो सकती है, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो सकती है। तो ये तो एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, देख सकते हैं किस तरीके से काम होता है। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।